दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कुछ कलाकार ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने ढेरों फिल्मों में काम किया, लेकिन वो सफलता और पहचान उन्हें ताउम्र ना मिल पाई जो कि एक स्टार के पास होती है। इसलिए ऐसे कलाकारों का करियर जीवन के कठिन संघर्षों से गुजरता रहा और जीवन की गाड़ी यूं ही आगे बढ़ती चली गई। तो ऐसी ही एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री रहीं अनुराधा पटेल, जो कि अपने नाम से ज़्यादा अपने काम से याद की गईं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अभिनेत्री अनुराधा पटेल की कहानी। मेरे पति ठीक है, जैसे थे वैसे थे। मुझे लग रहा था अब इससे अधिक और क्या हो सकता है। कुछ उबने सी लगी थी मैं। क्या है? खरीद के लाए हूँ। खरीद के? हाँ, देखो इसकी माँ भी नहीं है और वो इडियट है ना, उसे दूध तक पिलाना नहीं आता है, कैसे पालेगा। अनुराधा पटेल का जन्म 30 अगस्त सन 1961 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। दरअसल इनके पिता बीरेंद्र पटेल, जो कि गुजराती परिवार से ताल्लुक रखते थे और पेशे से एक डॉक्टर का काम किया करते थे, और वह इनकी माँ का नाम भारती है, जो कि हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता अशोक कुमार की बेटी हैं। जिस हिसाब से अनुराधा पटेल अभिनेता अशोक कुमार की काफ़ी करीबी रहीं। यहाँ पर आपको बता दें, अनुराधा पटेल के दो भाई भी हैं, एक राहुल और दूसरा रोहित। इन दोनों ने क्रमशः फोटोग्राफी और फिल्म डायरेक्शन का काम सीखा है और अपने इसी काम में आगे बढ़ गए। अभिनेत्री अनुराधा पटेल ने मुंबई के ही सेंट जेवियर कॉलेज से पढ़ाई लिखाई पूरी की। इसके बाद इंटीरियर डिजाइनिंग में कोर्स कम्प्लीट किया और उसी दौरान इन्हें काफ़ी मॉडलिंग के ऑफर्स भी आने लगे, जिस वजह से अनुराधा पटेल ने उन कई मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए काफ़ी दिनों तक काम भी किया। इसके बाद सन 1983 में अनुराधा पटेल फिल्म लव इन गोवा में नजर आईं, जिसमें इन्होंने एक हीरोइन का किरदार निभाया और जिस फिल्म में इनके हीरो थे 70s के हिंदी फिल्मों के चाइल्ड आर्टिस्ट मास्टर मयूर। वैसे तो 1983 की फिल्म लव इन गोवा अनुराधा पटेल की पहली फिल्म रही, लेकिन इससे पहले भी ये एक हिंदी फिल्म में काम कर चुकी थी, जिसकी कहानी तीन बहनों पर आधारित थी, जिसमें एक बहन का किरदार शवाना आजमी, दूसरी बहन का किरदार बिंदिया गोस्वामी और तीसरी बहन का किरदार अनुराधा पटेल कर रही थी। लेकिन किसी कारणवश कुछ दिनों की शूटिंग के बाद वो फिल्म डिब्बे में चली गई और आगे कम्प्लीट ना हो सकी। इसके बाद इन्होंने लव इन गोवा फिल्म में काम किया, जो कि इनकी पहली फिल्म रही। इसके बाद अनुराधा पटेल हिंदी के कई बड़े कलाकारों के साथ अभिनय करती दिखीं, जिनमें इनकी कई फिल्में शामिल हैं, जिनमें उत्सव, ऑलराउंडर, जान की बाजी, धर्म अधिकारी, सदा सुहागन, इजाजत, रुखसत और जेंटलमैन, जिसमें ये मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों के साथ काम करती दिखीं। और अपनी इन्हीं फिल्मों के दौरान ही इन्होंने 13 अप्रैल सन 1988 को कवलजीत सिंह से शादी कर ली, जिस शादी से इनके दो बेटे हुए, सिद्धार्थ सिंह और आदित्य, जिनमें बड़े बेटे सिद्धार्थ सिंह एक म्यूजिशियन हैं और छोटे बेटे आदित्य एक पेंटर। आपको बता दें, वैसे तो शादी के बाद इन्होंने फिल्मों से किनारा कर लिया था, लेकिन सन 2000 के दशक के बाद इन्होंने कुछ फिल्मों में छोटे मोटे किरदारों में काम किया, जिनमें तुझे मेरी कसम, जाने तू या जाने ना, इट्स माय लाइफ, रेडी और रब्बा मैं क्या करूं जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन सन 2013 के बाद ये आज तक किसी भी फिल्म में काम करती नहीं नजर आई हैं। आज के समय में अनुराधा पटेल एक एकेडमी चलाती हैं, जिसमें ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट तथा और भी कई चीज़ें सिखाती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी 80s की उस अभिनेत्री की, जिसने बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम करके जल्द ही बॉलीवुड से किनारा कर लिया, लेकिन इनका काम आज भी लोगों द्वारा सराहा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ अनुराधा पटेल जी पर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें, तथा बॉलीवुड से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।